दुनिया भर के स्नाइपर दुश्मनों को धोखा देने के लिए एक खास किस्म का ड्रेस पहनते हैं, जिसे घिल्ली सूट कहा जाता है। दुश्मनों की नज़र से बचाने के लिए स्नाइपर इस सूट को पहनते हैं। दरअसल इसे पहनकर सैनिक पत्तों, बर्फ या रेत के मुताबिक नजर आते हैं। आमतौर पर यह एक महीन जालीदार कपड़ा या परिधान होता है, जो जूट के ढीले स्ट्रिप से ढका होता है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है दुश्मनों को धोखा देने वाला घिल्ली सूट। सैन्यकर्मी, पुलिस और वाइल्ड फोटोग्राफर इस तरीके के परिधान को पुराने समय से पहनते आए हैं। फोटोग्राफर के इस पोशाक के पहनने के पीछे मकसद जानवरों की निगाह से खुद को बचाना होता है, लेकिन एक स्नाइपर इसे पहनकर खुद को दुश्मनों की नजरों से बचाता है। इस ड्रेस पर कई तरीके के कपड़े की लंबी और ढीली पट्टियां झाड़ फानूस की तरह लगी होती हैं, जो सैनिकों के द्वारा पहने जाने पर यह सैनिकों को पत्तियों और टहनियों व घास फूस के जैसे प्रदर्शित करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि खास तौर पर सेना के स्नाइपर्स द्वारा विभिन्न ऑपरेशंस के दौरान पहने जाने वाले इस सूट को खास डिजाइन के साथ तैयार किया जाता है। इसके रेशे या पत्तियां इतनी हल्की होती हैं कि जवान जंगल, पहाड़ या रेतीले जमीन पर भी अपनी पोजीशन ले सकता है और उसी जैसा दिख भी सकता है। कुछ सूटों को मौसम के हिसाब से भी डिजाइन किया जाता है, जो मजबूत व मोटे धागे से बने होते हैं और गर्म रहते हैं। इन सभी सूट्स को जवान अपनी वर्दी के ऊपर पहनते हैं। यहाँ आपको बता दें कि स्नाइपर इसका खास तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ताकि दुश्मन को उनके आसपास होने का एहसास ना हो और वे करीबी से अपना सटीक निशाना लगा सकें। इस सूट का आविष्कार सबसे पहले स्कॉटिश गेमकीपर्स ने पोर्टेबल शिकारी सूट के रूप में बनाया था। 1916 में लोवेट स्काउट ब्रिटिश सेना की पहली स्नाइपर यूनिट बनी थी। उच्च गुणवत्ता वाले छलावा सूट हाथ से बने होते हैं, लेकिन वर्तमान में इन्हें मशीनों से बनाया जाता है। अधिकांश देशों में सैनिक आमतौर पर खुद भी अपने छलावे सूटों का निर्माण करते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक सामग्रियों के द्वारा इन्हें बनाया जाता है। सेना व पर्यावरण के मुताबिक ही इनमें रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। एक बड़े और हाई क्वालिटी वाले सूट को बनाने में तकरीबन एक सप्ताह से लेकर एक महीने तक का समय लग जाता है। इन सूटों को खाद व मिट्टी लगने के लिए कीचड़ों में डुबोया जाता है और फिर सुखाया जाता है, ताकि ये पर्यावरण के अनुकूल दिखने लगे और इनसे ऐसी ही गंध आए। लोकेशंस के अनुसार जवान इस पर पेड़ की टहनियां, सूखे पत्ते व अन्य तत्वों के साथ स्थिति को अनुकूल बना लेते हैं। हालांकि गिली सूट कई परिस्थितियों में अनुकूल साबित नहीं होते हैं, लेकिन सुरक्षा के मामलों में ये स्नाइपर्स की काफी मदद करते हैं। जहां छलावरण बेहद ही उपयोगी होता है, वहीं ये लोकेशन के मुताबिक काफी भारी होते हैं। रेगिस्तान जैसे स्थान में कई बार बहुत भारी और गर्म हो जाते हैं, जहां गिली सूट के भीतर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। ऐसे में इसे आग से बचाने के लिए खास ध्यान रखना पड़ता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आम नागरिकों ने अपराध के लिए गिली सूट का सहारा भी लिया है। उस वक्त ये काफ़ी चर्चा में भी रहा जब ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति ने इस तरीके का इस्तेमाल कर लोगों को परेशान किया था। तो दोस्तों, गिली सूट के जहां अपने फायदे हैं, वहीं इसके नुकसान भी हैं, लेकिन हमारी सेना के लिए ये बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो एक बड़ा सा थम्स अप देने की कोशिश करें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट देके बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।